जब आप अपने पार्टनर के साथ में यौन संबंध बनाने की तैयारी कर रही हो और आपकी योनि में सूखापन हो, मतलब वजाइना में ड्राइनेस हो, उस समय कई महिलाओं को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, कई बार बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होती है। आप अकेली नहीं है, ये बहुत आम समस्या है जो हर महिला के जीवन में कभी ना कभी आती है। कई महिलाएं तो अपने पार्टनर से इस समस्या के बारे में बात करने से भी हिचकती हैं, कई बार वो अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती भी नहीं है। और कई पल तो ऐसे भी होते हैं जब आपके पार्टनर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन योनि में सूखापन होने के कारण आप उन्हें वो आनंद नहीं दे पाती हैं, जो कई बार आपकी लाइफ में खटास पैदा कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। नमस्कार, मैं हूँ दीपा, वेलकम बैक टू जर्नी वुमन एंड बेबी हेल्थ केयर। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ आप सभी के लिए। सभी महिलाओं के जीवन में कभी ना कभी इन समस्याओं का सामना होता ही है, इसीलिए आज मैं आपको वजाइना में सूखेपन का क्या कारण है, क्या लक्षण है, ये क्यों होता है, इसका घरेलू उपचार क्या है, और अगर ये घरेलू उपचार से ठीक नहीं होता है तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट कैसे फॉलो करना है, इस बारे में पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि कई बार ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है और इससे हमें दूसरी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जैसे आपकी योनि में सूखापन होने के कारण योनि में सूजन, इन्फेक्शन या फिर जख्म जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा भी अगर हम इसे लंबे समय तक ध्यान ना दें, लापरवाही बरतें, तो हो सकता है कि हमको इन समस्याओं के कारण कोई गंभीर समस्या का सामना करना पड़े, इसीलिए समय रहते आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, या फिर मैं कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ, पहले उसको आप ट्राई कर लीजिए, और अगर उससे आपको आराम नहीं लगता है तब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि महिलाओं की योनि में सूखापन होता क्यों है, इसका क्या कारण है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मेन कारण बताऊंगी कि जो हमारा शरीर होता है, मतलब महिलाओं का जो शरीर होता है, वो एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो वजाइना की नमी को बनाए रखने के लिए और वजाइना के पीएच को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये योनि की दीवारों के अंदर से और आसपास के एरिया से एक तरल चिकना पदार्थ निकालता है जो सेक्स के दौरान ल्यूब्रिकेंट का काम भी करता है, और अधिकांश समय पर महिलाओं के योनि में सूखापन का कारण एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का कम सीक्रेशन होना होता है। तो चलिए अब हम महिलाओं की योनि में ड्राइनेस का कारण क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को योनि में ड्राइनेस क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इसका सबसे पहला कारण है कि ऐसी महिलाएं जो लंबे समय से गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको सबसे ज्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनका मीनोपॉज हो गया है, मतलब जिनके पीरियड्स रुक गए हैं, एक एज के बाद महिलाओं के पीरियड्स रुक जाते हैं, उन महिलाओं में भी योनि में सूखापन या फिर इरिटेशन की समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं को भी अपनी इस समस्या का समाधान डॉक्टर से मिलकर जल्द से जल्द करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि योनि में सूखेपन के बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं है अगर इसको आप समय पे ट्रीटमेंट ले लेती है, समय पे डॉक्टर से जांच करवा लेती है। इसके बाद तीसरा कारण है स्तनपान। जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, तो स्तनपान के कारण भी महिलाओं के हार्मोन में परिवर्तन होता है, और स्तनपान की पूरी अवधि के दौरान कई बार महिलाओं की योनि में सूखापन हो सकता है। इसके अलावा चौथा कारण है कि किसी महिला की ओवरी हटा दी गई हो, या फिर किसी महिला का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी या फिर कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसके कारण भी महिलाओं की योनि में सूखापन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस या फिर गर्भाशय के फाइब्रॉइड के इलाज के लिए एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी लेती हैं या फिर एंटी एस्ट्रोजन मेडिसिन लेती हैं, जिसके कारण भी कई महिलाओं को योनि में सूखापन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई महिलाएं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन या फिर आंखों की एलर्जी के लिए दवाइयां लेती हैं, सर्दी जुकाम की दवाइयां लेती हैं, इसका भी साइड इफेक्ट कई महिलाओं में योनि का सूखापन हो सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में प्रसव या प्रसव के बाद एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है या फिर कम सीक्रेशन होता है, जिसके कारण भी महिलाओं को डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तक योनि में सूखापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे कपल्स के बीच में यौन संबंध बनाने के दौरान या फिर रिलेशन बनाने के दौरान फोरप्ले जैसी प्रोसीजर नहीं होती। फोरप्ले मतलब वो
प्यार मोहब्बत नहीं करते या फिर उनके प्यार मोहब्बत में कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण वजाइना में जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है या फिर बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो उत्तेजित नहीं हो पाती, उसका प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण भी महिलाओं की योनि में सूखापन या फिर ड्राइनेस एक कारण हो सकता है। तो वेट वेट वेट, अभी मैंने आपको इसके कारण बताए हैं, अब मैं आपको इसके उपचार भी बताऊंगी। तो चलिए अब सबसे पहले वजाइना में ड्राइनेस के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो योनि में सूखापन के कुछ खास लक्षण हो सकते हैं जिसे आप हमेशा महसूस कर सकती हैं। कुछ महिलाओं में ये लक्षण केवल निश्चित समय पर दिखाई देते हैं, जैसे यौन संबंध के दौरान या फिर पेशाब के दौरान, लेकिन दूसरी महिलाओं में या फिर कुछ महिलाओं में ये लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको इन लक्षणों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे यौन संबंध के दौरान या फिर सेक्स के दौरान जलन होना, दर्द होना, खुजली होना या फिर कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा में कमी या फिर योनि का जो आकार है उसमें संकुचन हो सकता है, या फिर कई बार महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब यूटीआई की समस्या हो सकती है। कई बार महिलाओं को सामान्य से अधिक बार पेशाब लगना या फिर इस तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है या इसका कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है अपने ऊपर, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सही उपचार लेना चाहिए, डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, या फिर आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल मिलेंगे, स्पेशली आपको घरेलू उपचार बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम योनि में सूखापन के उपचार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि योनि में सूखापन होना इतनी गंभीर समस्या या इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स के पास अवेलेबल ना हो, जिसका उपचार आप सही समय पर लेकर अपनी सेक्स लाइफ को भी अच्छा कर सकते हैं और अपनी दूसरी समस्याओं से भी बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला ट्रीटमेंट बताऊंगी, ल्यूब्रिकेंट, वजाइनल एस्ट्रोजन, वजाइनल मॉइस्चराइजर, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, और इसके अलावा घरेलू भी बहुत सारे उपचार हैं। तो सबसे पहला है कम एस्ट्रोजन स्तर के कारण योनि में सूखेपन का सबसे आम उपचार है ऑप्टिकल एस्ट्रोजन थेरेपी। ये उन हार्मोन की जगह ले लेता है जिसको शरीर अब नहीं बना सकता। यह योनि संबंधित लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है, लेकिन ये रक्त प्रभाव से उतना एस्ट्रोजन नहीं डालता जितना आप हार्मोनल थेरेपी गोलियों में लेते हैं। इसके अलावा सेकेंड है कि जिन महिलाओं में मीनोपॉज होता है, मतलब जिनका मासिक धर्म रुक जाता है एक एज के बाद, उन महिलाओं के शरीर में यानी योनि में जो सूखापन होता है उसको दूर करने के लिए आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केवल अगर आपको सेक्स के दौरान वजाइना में सूखापन महसूस होता है तो आप ल्यूब्रिकेंट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको हमेशा ही वजाइना में सूखापन महसूस होता है तो वजाइनल मॉइस्चराइजर आपके लिए बहुत अच्छा है, और वजाइनल ल्यूब्रिकेंट की तुलना में वजाइनल मॉइस्चराइजर लंबे समय तक असर करता है। योनि के गीलेपन को दूर करने के लिए किसी भी तरह के प्रोडक्ट का नाम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, इसीलिए अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आपको कोई भी जेल, मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी ल्यूब्रिकेंट अपने मन से यूज नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और इसके बाद आपकी बॉडी को कौन सी चीज सूट करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए आपको पहले अपने डॉक्टर से सजेशन लेना है, उसके बाद ही कोई भी तरीका का इस्तेमाल करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड करती हूँ, कोई भी चीज के बारे में बताती हूँ कि उसके बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान क्या है, लेकिन मैं आपको किसी भी चीज के बारे में सजेस्ट नहीं करती हूँ। इसलिए आपको किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी कि कैसे आप अपनी योनि को सूखापन से बचा सकते हैं, मतलब अपनी योनि में ड्राइनेस होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। तो उसमें सबसे पहला है कि आपको नियमित सेक्स करना चाहिए, मतलब आपको नियमित अपने पार्टनर के साथ में यौन संबंध बनाना चाहिए। याद रखिए कि नियमित सेक्स करने से महिलाओं की जो योनि होती है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे जो महिलाओं की उत्तेजित होने वाली ग्लैंड है उसमें भी सीक्रेशन बढ़ता है। चाहे आप पार्टनर के साथ करें या पार्टनर के बिना करें, आपको नियमित सेक्स करना है। और याद रखिए कि सेक्स से पहले पर्याप्त फोरप्ले और प्रोत्साहन होना बहुत जरूरी। और याद रखिए कि सेक्स से पहले, मतलब यौन संबंध से पहले, पार्टनर्स के बीच में फोरप्ले होना बहुत जरूरी है। फोरप्ले होने से महिला के जो शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी, एक्साइटेड होगी, और महिला का जो ल्यूब्रिकेशन है वो अच्छे से सीक्रेशन होगा। लेकिन कई कपल्स एकदम से शुरू हो जाते हैं, लपड़ झपड़ नहीं करते हैं, तो महिलाओं के साथ में यौन संबंध बनाने से पहले फोरप्ले करना बहुत जरूरी है, मतलब एक्साइटमेंट के साथ में प्यार मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, जिससे महिलाओं की योनि में सूखेपन की समस्या भी कम होगी और सेक्स को और अधिक सुखद बनाने में भी
मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप योनि में सूखेपन की समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको फाइटोएस्ट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन की तरह ही काम करते हैं। ये आपको सोयाबीन, नट्स, बीज और टोफू, इसके अलावा आपको पौधे युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको हमेशा कॉटन की पैंटीज ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी अंडरवियर ही इस्तेमाल करिए जो ढीली हो और थोड़ी हवादार हो, जिससे आपकी जो वजाइना है उसमें पसीना ना आए और वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। इसके अलावा आपको अपनी वजाइना को साफ करने के लिए किसी भी हार्श साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको हमेशा प्लेन वाटर से ही अपनी वजाइना को साफ करना चाहिए। समय समय पे साफ करने का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको हमेशा सेक्स से पहले और सेक्स के बाद अपनी वजाइना को खाली पानी से साफ करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। और जब भी आप अपने वजाइना को वॉश करते हैं उसके बाद आपको हमेशा सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। अपने वजाइना को पोंछने के लिए जो भी टॉवल या हैंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बिल्कुल अलग रखिए और किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ इस्तेमाल नहीं करना है। अपने पार्टनर को यौन संबंध के दौरान या फिर सेक्स के दौरान खुशबू अच्छी सी प्रोवाइड करने के लिए आपको अपनी वजाइनल एरिया में किसी भी तरह के डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम या फिर सुगंधित साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए आप रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रूम को थोड़ा काम कर सकते हैं या फिर अच्छी सी खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी वजाइनल वाले एरिया में आपको किसी भी तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपने वजाइना के सूखेपन को कम करने के लिए हमेशा हाइड्रेट रहने की जरूरत होती है, तो आपको पानी का इस्तेमाल बहुत करना है। इसके लिए आप फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, जितना हो सके आपको पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी वाले फलों को चूज कर सकते हैं, जैसे अनार, तरबूज, खरबूज, अंगूर, ये ऐसे फल हैं जिनमें 90% पानी होता है, जो आपके शरीर के साथ साथ आपकी वजाइना के हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है, ये भी आपके योनि के सूखापन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप एवोकाडो फल, दही या फिर पालक का इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में कर सकती हैं अपनी योनि के सूखेपन को कम करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई किसी भी तरह के लक्षण अपने ऊपर दिखते हैं, अपने ऊपर समझ में आते हैं, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है। आप मेरा पहले घरेलू ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी समस्या बढ़ रही है और आपको आराम नहीं लग रहा है, तो आपको बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचक के डॉक्टर से सजेशन जरूर लेना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। मेरे चैनल को प्लीज शेयर जरूर करिएगा, जिससे हो सकता है किसी जरूरतमंद महिला को मेरा ये वीडियो मिले और वो ट्रीटमेंट अच्छे से उसका कर पाए या उसके बारे में पूरी जानकारी ले पाए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।